उस रुखसारों पर तमाचे मारे जाते हैं। कायनात की पहली यतीमा बेटी है जिसको बाप की शहादत के बाद कदम कदम पे रुलाया गया है। किसी ने तमाचे मारे हैं, किसी ने ताजगारे मारे हैं। ये बाप और बेटी की मुसीबत सुनाओ। जनाब सकीना शहादत इमाम हुसैन के बाद कदम कदम पे रुलाई गई है। और जब ये काफिला कैद खाने शाम में पहुंचा है, जब यजीद सर हुसैन से गुस्ताखी कर रहा था, एक मरतबा यजीद सर हुसैन से मुखातिब होकर कहता है, हुसैन तुम तो बड़ी जल्दी बूढ़े हो गए, औलाद वालों सुना कलेजा फट जाएगा। जनाब इमाम हुसैन के साथ से मुखातिब होकर कहता है, हुसैन तुम तो बड़ी जल्दी बूढ़े हो गए। ये आवाज़ जनाब जैनब के कानों से टकराई। जनाब जैनब कहती है, यजीद तूने इंसाफ नहीं किया। अरे जिसकी नज़रों के सामने उसके जवान बेटे के मार दिया जाए, वो बाप सही नहीं तो और क्या होगा। उस बाप के मर जाना चाहिए। औलाद वालों सुनो, बाप और बेटी की मुसीबत पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मसाब होंगे। बचपन मगर दिख रही है ज़ईफ़ा, सकीना तेरी पिला सताया गया है। बचपन सुना कायनात की ये दो ऐसी शहजादी गुजरी हैं जो उम्र से पहले ज़ईफ़ा दिखने लगी है। एक रसूल की बेटी जो 18 साल की उम्र में असा का सहारा लेकर चलने लगी, और एक हुसैन की 4 साल यतीमा बेटी है जिसकी उम्र 4 बरस है मगर ज़ईफ़ा दिख रही है। इनके ज़ुल्म ढाए गए हैं। औलाद वालों सुनो, मसाइल पेश करता हूँ। बचपन मगर दिख रही से कैद खाने तलक के बला से चला कह के पंजो पलाया गया है। बचपन मगर दिख रही है। यहाँ से पेश करें औलाद वालों, ये कायनात की पहली यतीमा है जिसे बाप के जनाजे पर तमाचे भी मारे गए हैं। अगर
کو سلامت رکھے جناب سکینہ کے صدقے میں۔ سنے دن پیش کرتا ہوں اس بچی کو قدم قدم پہ بلایا گیا ہے۔ سجاد کہتے ہیں بہن تر انسان کو پیاس حد سے زیادہ لگتی ہے۔